हेलो स्टूडेंट्स, तो पर्टेशन कम्बिनेशन का जो चैप्टर चल रहा है, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने क्वेश्चंस के साथ कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया था। अब इसके बाद जो हम लोग पर्टेशन में आगे बढ़ेंगे, उसके लिए एक पहली चीज़ आती है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन को इस तरीके से अगर एन की बात किया जाए या फिर इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से एन और ये करके यहाँ पर स्लैश लगा दिया जाता है। और फैक्टोरियल एन की अगर वैल्यू देखी जाए तो ये वैल्यू एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन सो वन थ्री टू वन के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे फैक्टोरियल टेन की बात किया जाए तो फैक्टोरियल टेन का मतलब होगा टेन इंटू नाइन इंटू एट एन सो वन थ्री टू वन। मतलब फैक्टोरियल नोटेशन का यही मतलब हो गया कि जिस नंबर की बात किया जाएगा उस नंबर को एक एक कम करते हुए वन तक सबको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, यही है फैक्टोरियल नोटेशन। तो ये जो नंबर हो जाएगा फैक्टोरियल नोटेशन हो जाएगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल नंबर। यहाँ पे फैक्टोरियल टेन का मतलब ये नहीं हो गया कि ओनली ये टेन है, फैक्टोरियल टेन का मतलब हो गया टेन नाइन एट जो है वो थ्री टू वन ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल नोटेशन। इसका यूज हम कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझा जाए। मान लीजिए हमको फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 12 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये नहीं करना कि सारी वैल्यू यहाँ पे हम लिखें, इस सारी वैल्यू को पूरा कैलकुलेट करें तब डिवाइड करें। हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करके 15 इंटू 14 इंटू 13 और इसके बाद जो चलेगा वो 12 11 ये चलेगा, तो इसको हम यहाँ पे फैक्टोरियल 12 पे रोक दें और नीचे फैक्टोरियल 12 है, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल होगा, कहीं फैक्टोरियल किसी नंबर से नहीं। कहने का होता है यहाँ पे फैक्टोरियल 12 है यहाँ 12 है, तो ये आपस से कैंसिल करना जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ कैंसिल हो करके तो ये हमारा अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब ये हो गया कि उस वैल्यू को जिस नंबर की बात की गई उसको वहाँ से लेकर के वन तक हमें जो है सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे और जो वैल्यू आएगी वही उसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, क्वेश्चन है 1/6 प्लस 1/7 इक्वल टू 1/8। अभी बात हमने किया कि ये जो है जनरल नंबर से डिफरेंट होते हैं, जो फैक्टोरियल नोटेशन है जनरल नंबर से हमारा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे फैक्टोरियल 6 है इसको यही रहने देंगे, इसको क्या करेंगे ये हो जाएगा 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 64। तो यहाँ पे जो कैंसिल होगा वो फैक्टोरियल ही कैंसिल होगा, ये ऐसे ही रहा, ये 7/6 हो गया, ये 8/7/6 हो गया, ये सारे कैंसिल नीचे हो गए, ये यहाँ पे 1 बचा, ये 1/7 बचा, ये x अपान ये, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 64। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है जो मेन चैप्टर है, वैल्यू ऑफ NPR और NPR की वैल्यू होती है, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन पी आर का मतलब होता है जो पर्टेशन जिसकी बात कर रहे थे, कहने का मतलब एन थिंग्स हैं तो उसमें से आर लेकर के कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि पर्टेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग, कितने टाइप से वहाँ ग्रुपिंग की जा सकती है। तो वैल्यू ऑफ एन पी आर की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल को हम लोग यहाँ देख ही चुके हैं, तो उसके बेस पे जब आगे भी क्वेश्चन और करेंगे तो वहाँ जो एन पी आर लगेगा उसका मतलब क्या होगा कि एन थिंग्स हैं और आर को लेकर के हमें कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं वो अरेंजमेंट बनाना। यहाँ पे एन पी आर की बात है तो एन पी आर जो हमारा वैल्यू यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी।
क्वेश्चन ये है कि NP5 की वैल्यू जो है 42 के बराबर है, तो हमें NP3 की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर देखें NP5 का मतलब फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि NP5 इक्वल टू 42 इंटू NP3, तो n हमें फाइंड करना है। तो NP5 को ओपन किया तो ये आ गया, NP3 को ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 3 आ जाएगा, ये तो सीधे कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 5 n माइनस 4 तो यहाँ से जो इनकी वैल्यू निकल के आ रही है, 11 वैल्यू निकल के आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू 11 निकल के आ रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू जो है जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया उसको यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं, 5 × 4 PR इक्वल टू 6 × 5 PR माइनस 1 अगर है तो R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सेम एक तरीके से वही जैसे हम लोग फैक्टोरियल वाले पीछे करते आ रहे हैं वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 4 PR का मतलब फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस R, यहाँ 6, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस R प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए इसको पूरा उसी तरीके से यहाँ सॉल्व किया गया, सारे जितने कैंसिल होते गए, फाइनली हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। यहाँ पे चीज़ें R की वैल्यू 3 और 8 हमें मिली,
लेकिन जब यहाँ पे हम देखेंगे 4PR है, यहाँ 5PR है, तो अगर 8 हम लेंगे तो 4P8 हो जाएगा, यहाँ 5P7 हो जाएगा। और NPR का मतलब होता है कि N में से R चीज़ें लेकर के, तो अगर प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो अगर ये कहा जाए 5 में से 8 चीज़ें लेकर के तो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब R की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी, 8 हमारा इनवैलिड हो जाएगा, उस नंबर का कोई मतलब नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएंगे उनको फाइनली में यहाँ से निकाल भी लेंगे, उनको देख लेंगे कि हमारी जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही, तो वो चीज़ यहाँ से हम पूरा चेक भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल पे था, ये वाला जो है बेसिकली अभी यहाँ पे हमने फैक्टोरियल नोटेशन, उसमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। अब इसके आगे और चैप्टर्स के आप लोग देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, और इन्हीं पे बेस्ड, इन फार्मूलों पे बेस्ड कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को समझेंगे और उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चीज़ देखेंगे।